दोस्तों अभी हम करने वाले हैं विंच टेस्ट, देख सकते हैं इसमें लगी हुई है हैवी विंच और इसको हम करेंगे पुल आउट। और इसको पुल आउट करके हम क्या करने वाले हैं वो भी बताऊंगा। देख सकते हैं इसमें से जो विंच है वो बाहर आ रही है। इस विंच को लगाएंगे हम इस जेसीबी के अंदर और इसे खींचने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या जेसीबी इतनी भारी जेसीबी इस विंच के सारा खींच सकती है, नहीं खींच सकते। देखते तो इसको करेंगे यहाँ से टक इन और जो मोटर है उसको कर देंगे वापस ऑन। तो जैसे देख सकते हो जो मोटर है वहाँ से विंच इसको खींच रही है और यहाँ से पावर लग रही है और पीछे से देखो ये ऊपर भी होने लग गई है जेसीबी। और जेसीबी देख सकते हो आगे खींचना शुरू हो चुकी है और देखो किस तरह जेसीबी इसको खींच रही है। इसको बंद कर देता हूँ भाई, ये बहुत ज़्यादा हैवी विंच है। आप देख सकते हो इतनी हैवी होने के बावजूद भी इतने इतनी इजीली विंच कर दिया। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ बैट लगी हुई है और ये बिल्कुल नहीं घूम रही थी, इसको खींचते हुए यहाँ से लेके आ चुका है। और ये मेटल की विंच है और इस पर मॉन्स्टर ट्रक पे अपने लगी हुई है, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंच देखने को मिलती है। इसको बाहर निकालें, यहाँ से ये कंट्रोल होती है। मैं आपको एक बार और ट्राई करके बता देता हूँ, इस बार मैं इसको इतना आगे की तरफ लेके जाता हूँ और इसको वापस पुल बैक मैं करता हूँ। तो देखो किस तरह से ये खींचती है, इस बार मैं ऊपर वाला एंगल दिखाऊंगा आपको। ये देखो किस तरह से इसको खींचते हुए ये लेके जा रही है। बड़ा वाला मॉन्स्टर ट्रक है वो एक जगह स्थिर है और देखो कितने प्यार से इसको यहाँ तक लेके आ गए। और इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत पावर से खींचती है, इतनी पावरफुल है कि इसको तोड़ भी सकती है यहाँ से। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है मुझे कि ज़्यादा पावर ना यूज़ कर दूँ मैं विंच की गई, नहीं तो यहाँ नुकसान हो सकता है भारी वाला। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है, इस विंच की पावर अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।